नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कल खेले गए पंजाब तथा सीएसके के मैच में पंजाब की हार के क्या कारण रहे तथा आज होने वाले मुंबई इंडियंस व सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जीतने की संभावनाएं किस टीम की ज्यादा है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सीएसके व पंजाब के मैच की। तो दोस्तों सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता तथा पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। दीपक चाहर ने स्विंग लेते वानखेड़े के विकेट पर पंजाब के चार खतरनाक बल्लेबाजों मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हुड्डा और निकोलस पुरन को सस्ते में आउट कर दिया तथा रही सही कसर केएल राहुल के रन आउट होते होने से पूरी हो गई। दोस्तों इस प्रकार 26 रन पर 5 विकेट खोने के बाद पंजाब की हार लगभग निश्चित हो गई थी। उभरते युवा बल्लेबाज शाहरुख खान के 47 रनों की बदौलत पंजाब जैसे तैसे करके 20 ओवरों में 8 विकेट पर 106 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम ने आसानी से 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया तथा मैच 6 विकेट से जीत लिया। चेन्नई की ओर से दोस्तों मोइन अली और डुप्लेसिस ने अच्छी बल्लेबाजी की, वहीं ऋतु गायकवाड़, सुरेश रैना व अंबाती रायडू सस्ते में आउट हुए। दोस्तों अब बात करते हैं आज होने वाले रोमांचक मैच मुंबई इंडियंस व सनराइजर्स हैदराबाद की। दोस्तों दोनों ही टीमें खतरनाक है। दोनों के बीच अब तक खेले गए 16 मैचों में से दोनों ने 8-8 मैच जीते हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, पोलार्ड, कुणाल पांड्या जैसे खतरनाक व विस्फोटक बल्लेबाज है। वहीं जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट जैसे शानदार गेंदबाज भी है जो कभी भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं। परंतु हैदराबाद की टीम भी कम नहीं है। उसके पास वार्नर, समद, जसन राय, मनीष पांडे, वर्धमान शाह जैसे धांसू बल्लेबाज है। वहीं गेंदबाजी में भी रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा जैसे जबरदस्त गेंदबाज है। अतः दोस्तों जो भी टीम आज अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। हालांकि मुझे मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। दोस्तों आप भी आज के मैच में कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।